वेट थोड़ा सा लिफ्ट कम आ गया तो थोड़ा और आगे और आगे और आगे ओके चलो रेडी Also, yeah, we would like to write you in the end. Ma'am, all of you please with bag. John. Two, three step back, please. Ha, thoda piche chale. Yeah. You're this side, everyone. Yes, everyone here, please. Yeah. Mukti ma'am. Yes. Here. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Chalo. Lamba, lamba. Acha photo ho rahi hai kya? Wait, wait, guys. हाँ, हाँ, कोई नहीं चला के. Lamba नहीं आ रहा. कल मैं phone गिरा रही हूँ. Okay. अंकल लाइट नहीं है अंकल गुड डे टू चैनल सर गॉट वाइट सी आई जस्ट गॉट अ प्रेजेंट ये इट्स अ बैलेरिना दिस इज शक्ति सो आई एम गोइंग टू हैव हर अराउंड ऑल द टाइम नाउ नो प्रेजेंट टू मी
यहाँ पे एक आगे फोटो ऑफ कर लेते, नहीं यहाँ बीच में रुक जाना एक बार, बीच में रुक जाना एक बार। नॉर्मली हम बोलते हैं कि सिनेमा जो है डायरेक्टर मीडियम और थिएटर एक्टर मीडियम, क्या कहना चाहेंगे? ये आई थिंक ये स्टोरी टेलर मीडियम है, और आप स्टोरी टेलिंग गाने के ज़रिए, डांस के ज़रिए, अपने शरीर के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने किरदारों के ज़रिए आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं, यही आपकी फ्रीडम है, इसलिए ये मुक्ति मंच है। और ये मेरे पिताजी ने एक नाम सोचा था कि जैसे ही आप पे लाइट्स आती हैं तो आपके अंदर की एक रोशनी, दिव्य रोशनी जगती है कि अब मैं जो कहूँगी या कहूँगा उसमें एक प्योरिटी होगी। सो दैट इज़ द एसेंस ऑफ मुक्ति मंच। और यहाँ पर हमारी शुरुआत चिल्ड्रंस डे पर हो रही है, वो भी बच्चों के साथ। और पहली बात तो बहुत मेहनत लगती है, इट्स नॉट ईजी हाँ, मतलब देख के लग रहा होगा कि शुरुआत में ही ऐसा बच्चों के साथ ये हुए हो, बट आपके बेसिक्स पॉलिश हो जाते हैं, यू गेट टू टेल द स्टोरी इन अ क्यूटर वे, इन अ बेटर वे। एंड मुझे बहुत बहुत गर्व हो रहा है अपने बच्चों पर, मुझे लग रहा है हमारे मेरे बच्चे हैं वो 16 बच्चे जो स्टेज पर जा रहे हैं एज वॉरियर्स। और वैसे तो फूल बने हैं क्योंकि आज बगिया में बगावत हो रही है कि किस तरह का रूल होना चाहिए, मोनार्की होगी कि डेमोक्रेसी होगी। सो दिस प्ले इज़ फॉर द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन एंड बाय द चिल्ड्रन। तो हम लोग भी अपने आप को बच्चा ही मानते हैं क्योंकि एक शुरुआत है मेरी, और मेरी शुरुआत जो हुई थी वो थिएटर से हुई थी, डांसिंग पे हुई। और ये कौन आ गया? बगिया में कीड़ा। क्यों नीति दी सेवा, शक्ति दी सेवा, एंड दे ऑलवेज हैव माई सपोर्ट, एंड आई एम फीलिंग सो नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम कि मेरा कुछ पहली बार आई एम पुटिंग अप अ स्टोरी टुगेदर। लास्ट वन मंथ से हमारे घर में एवरी डे सो मेनी किड्स, बगावत हो रही है, बगावत चल रही है। टेरिस पे बच्चों की रिहर्सल्स होती हैं, और राइट फ्रॉम वर्कशॉप्स टू स्टेज पे खड़े कैसे होना है, स्टेज पे मुंह कैसे खोलना है, कैसे वॉइस प्रोजेक्ट करनी है, और देर आर सो मेनी थिएटर एक्सरसाइजेज जो बच्चों को पहली बार इंट्रोड्यूस की गई हैं। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसी एज में उनसे वो सब कराया जाए। सो अब जब हम प्ले देख रहे हैं एंड उनकी 3-4 weeks का जो मेहनत देख रहे हैं, इट्स लुकिंग सो गुड राइट फ्रॉम कॉस्ट्यूम्स टू मेकअप, उनकी जो भी सिंगिंग प्रैक्टिस है, वॉइस टेक्निक है, एवरीथिंग शी इज़ डन विद हर टीम, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर। आई थिंक बहुत अच्छा दिन है क्योंकि ये चिल्ड्रंस डे है और मुक्ति का पहला प्ले बच्चों से स्टार्ट हो रहा है, और सबसे अच्छे एक्टर्स बच्चे होते हैं और सबसे मुश्किल भी होता है उनको मतलब सिखाना। तो ये आज जो मुक्ति ने प्रेजेंट किया है स्टेज पर, मतलब मैं देख के इतनी इमोशनल हो रही थी कि हम लोग ये बचपन में करते थे साथ में, दीदी हमें कोरियोग्राफ करती थी और हम लोग डांस करते थे, आज ये उनको सिखा रही है, सबसे छोटी हमारे घर में वो सबको सिखा रही है। आई फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी। और चिल्ड्रंस डे इतने सालों से बनाया नहीं है, आज पहली बार बन रहा है, बहुत मतलब स्कूल के बाद अब बन रहा है, तो इट फेल्ट वेरी गुड एंड आई एम सो प्राउड मुक्ति, दैट मुक्ति मंच इज गेटिंग लॉन्च टुडे एट नृत्य शक्ति स्टूडियो। ये नाम का आइडिया किसका था? काफी अच्छा नाम है, मुक्ति मंच पापा ने नाम रखा है। और उनका मैंने जैसे कि बताया आपको कि जैसे ही आप पर स्टेज की ऐसी रोशनी आती है, स्पॉटलाइट आती है, वैसे आपके अंदर की ऐसी एक ऐसी शक्ति आती है आपके अंदर, ऐसी
फ्रीडम आप महसूस करते हो कि अब मैं जो भी कहूँगी या कहूँगा वो एक प्योरिटी से ही निकलेगा. सो यू नो दैट एसेंस ऑफ द नेम इज ओनली सो ब्यूटिफुल और उसमें मेरा नाम है जुड़ा हुआ, तो दैट मेक्स इट इवन मोर सेलिब्रेटरी एंड इट्स लाइक अ कार्निवल ऑनेस्टली. सो आई एम फीलिंग हैप्पी नर्वस. ओके, चाइल्डहुड में सबका एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर होता है, तो आप लोगों के टाइम पे कौन सा आपका फेवरेट? पॉप ऑफ गर्ल्स. पॉप ऑफ गर्ल्स एंड आई थिंक आई एम अ बिग फैन ऑफ मिकी माउस. या एंड वी आर पॉप ऑफ गर्ल्स आल्सो. मुक्ति और मैं एक्चुअली जब तक हम लोग कॉलेज में थे वी वर किड्स ओनली, क्योंकि दीदी कहती थी तुम लोग डिस्गस्टिंग हो, तुम बड़े क्यों नहीं हो रहे हो. हम सच में पाप अब सच हम हाँ कि हम लोग कार्टून नेटवर्क में और मुक्ति देखते रहते थे दिन भर. मतलब वी वर नॉट ग्रोइंग अप, वी वर नॉट रेडी. एंड आई थिंक जो हमारे अंदर जो बच्चा होता है ना दैट कीप्स अस अलाइव. तो ये दिन से ज़्यादा अच्छा कोई हो नहीं सकता था दैट ऑल ऑफ अस आर कमिंग टुगेदर एंड सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे. ऑल्सो आई फील बचपन से ही अगर एक फाउंडेशन सेट की जाए ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ऑफ लर्निंग म्यूजिक, लर्निंग आर्ट फॉर्म, वो एक ऐसा आपके अंदर एक आर्टिस्ट और क्रिएटिविटी का कीड़ा आपके अंदर लग जाता है जो पूरी लाइफ टाइम रहता है आपके साथ. सो देन नो मैटर वॉट प्रोफेशन यू चूज, पर अगर आप में अगर आर्ट की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन है और अगर आपने परफॉर्म किया है, इट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट एंड इट मेक्स यू मोर इन रिदम विद लाइफ. सो वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे आज और ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया हम सब के लिए, बिकॉज दिस डे इज़ हिस्ट्री फॉर अस, फॉर मोहन परिवार, बिकॉज चिल्ड्रंस प्ले हुआ है ऑन चिल्ड्रंस डे. दिस इज़ द प्ले फॉर द पीपल, फॉर द किड्स, सॉरी हमारा बच्चों का चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन. एंड दैट्स द एसेंस ऑफ द प्ले ऑल्सो, बगिया में बगावत, कि किस तरह से एक द काइंड ऑफ मोनार्की रूल इज़ यू नो मूविंग टू डेमोक्रेसी. So I want you guys to come for Bagya Mein Bagawat and sare natak aur jitni bhi hamare productions hone wale hain, I'm very excited aur itni sari kahaniyan hain, I can't wait to share through Mukti Manch. Thank you so much. Aap kaafi serious bhi judge karke dekha jata hai. Haan ji. Aaj ka sabse best performance kiska laga aapko? Are aaj kitne pyare pyare bacche the, I think unko judge karna thoda nainsafi hogi. बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और उनको देख के मुझे लग रहा था कि दे आर सो लकी दैट मुक्ति इज ट्रेनिंग देम, क्योंकि मुक्ति मैं समझती हूँ हम चारों बहनों में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव मुझे लगती है मुक्ति. एंड इससे मैं कितना सीखती हूँ और ये बच्चे इतनी यंग एज में सीख रहे हैं, आई थिंक दे आर ब्लेस्ड, ऑल द किड्स वर वंडरफुल. इसके अलावा दीपिका रणवीर सिंह की शादी हो रही है, कांग्रेचुलेशंस, मजे करिए अपनी शादी में. हैप्पी चिल्ड्रंस डे एवरीवन. थैंक यू.